Okay. So, all right, traders, a very warm welcome. So, I'm CA Danish Mangal. Welcome to Post Market Analysis and Trading Ideas for Tomorrow. So, जो फ्राइडे को जो कैंडल बना था, एक डोजी कैंडल बना था, तो हमने बात करते हैं डोजी के बाद एक मूव एक्सपेक्टेड रहता है, इसका हाई और एक लो इंपॉर्टेंट लेवल है. सो जब तक इसका हाई या लो नहीं टूटेगा, एक मूव आएगा नहीं. तो आज भी कंसोलिडेट कर गया उसके नीचे, उसके उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर गया हाई और लो के बीच में. So, अब ये रेंज हो सकता है कल एक टूट जाए और कल एक जोर का ट्रेंडिंग मूव आ जाए. पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कल एक ट्रेंडिंग मूव आने की. ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है. एक ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन चल रहा है जिसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया है. ओके, और एक ये चैनल चल रहा है, एक ये चैनल चल रहा है. अगर देखोगे तो प्राइस जो है लोअर हाईज बना रहा है, लोअर हाई. तो अगर प्राइस इसका भी ब्रेकडाउन लग रहा है, ब्रेकडाउन हो गया इसको थोड़ा और, हाँ ये ब्रेकडाउन हो गया. सो पॉसिबिलिटी है कि 15,800 का ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है. ठीक है, और अगर ये सपोर्ट टूटता है देन नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है, जो सपोर्ट ले सकता है वो 15,760 के आसपास, ये वाला लेवल पे सपोर्ट ले सकता है 15,767 के आसपास. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है. हो सकता है ब्रेकडाउन दिया है, फॉल्स ब्रेकडाउन इनका वापस से ऊपर चल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो ये चैनल का भी ब्रेकडाउन हो गया और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया. पर देखना है कि कल कैसे ओपन होता है. मान लो कल ओपन होगा 15,780 के आसपास, तो हम शॉर्ट नहीं कर सकते. क्यों? ऑलरेडी वो इतना गिर चुका. तो फिर हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का, वेट करना है रिट्रेसमेंट का, देन फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं. ओके, सो देखते हैं मार्केट ओपन कैसे होता है. फ्लैट ओपन होता है और 5 मिनट्स में कोई कैंडल दिखती है कि एक रेड कैंडल बनाया, अच्छी बॉडी का कैंडल बनाए, वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग है, उस केस में हम शॉर्ट जा सकते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं. ओके, और नीचे ये जो था, ये गैप है, ये गैप फिल होना बाकी है. ठीक है, ऊपर जो गैप बचा है ये भी गैप फिल होना बाकी है. तो देख रहा हूँ गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, साइडवेज यही चल रहा है. ओके, सो कोई भी ट्रेंडिंग मूव आया नहीं, पर ये रेंज अब इंपॉर्टेंट है. ये रेंज टूटना है, डेली चार्ट में बात करें तो रेंज टूटने वाला है, कभी भी टूट सकता है रेंज. ठीक है, तो जैसे बात कर रहे हैं फोर्थ वेव चल रहा है, सो एक फिफ्थ वेव का मूव आएगा. और प्लस मून फेजेस के अकॉर्डिंग, मून फेजेस के अकॉर्डिंग लग रहा है कि मार्केट लो बना चुका, पर मून फेजेस के भरोसे नहीं रहना. प्राइस सेक्शन, अगर प्राइस बताएगा तो हम लॉन्ग करेंगे, नहीं तो हम स्कैल्पिंग करके शॉर्ट कर सकते हैं. ओके, पर मून फेजेस के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये जो है 15,750 के आसपास लो बन चुका है. 15,000 अपना कौन सा लेवल है, जस्ट वन सेकंड, 15,760 के आसपास, 760 के आसपास, 760 के आसपास लो बन चुका है. सो देखना है कि कैसा रिएक्ट करता है, कैसा ओपन होता है मार्केट. बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, बैंक निफ्टी में एक चीज देखो आप, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे प्राइस जो है होल्ड कर रहा है. और 50 एक्सपोनेंशियल, अगर मैं प्राइस को हाइट करूं तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया. अगर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्लैट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट साइडवेज है. और निफ्टी में अगर बात करें, निफ्टी में मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर है, फ्लैट नहीं हुआ. आप देख रहे हो ऊपर ही जा रहा है. और जबकि बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेज जो है अपना, सो बैंक निफ्टी में अपना मूविंग एवरेज जो है वो फ्लैट हो चुका है, एक तरीके से फ्लैट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको फ्लैट. ओके, तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि साइडवेज मार्केट है, एकदम साइडवेज मार्केट है. टूटने दो रेंज को, टूटने दो. ठीक है, आज बहुत बढ़िया डोजी बनाए, इसका हाई और लो मार्क करके रख लो. ये हाई और लो जो भी टूटेगा, कैंडल्स देखना और अकॉर्डिंगली उस साइड अपने डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं. सो वेट करते हैं ओपन कैसे होगा मार्केट. 15 मिनट्स की बात करूं, सो ये भी एक चैनल में फंसा हुआ है, एक चैनल में फंसा हुआ है ये. सो अगर ये चैनल का ब्रेकआउट देता है, तो होगा क्या, ये जो गैप है, ये वाला जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप फिल होगा. ठीक है, ये वाला गैप फिल होगा. आई थिंक 35,650 के आसपास का लेवल ये टेस्ट करेगा एक बार और. ठीक है, नीचे साइड जाता है, नीचे साइड तो वापस से ये 35,400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली वेट करना है प्राइस एक्शन का, कैसे कैंडल्स बनेगा. ओके, और डोजी बनाए आज, तो आज का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो कल एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है. तो बात करते हैं स्टॉक्स की, तो टीवीएस मोटर्स आप ट्रैक कर सकते हैं. तो अपने बात कर रहे थे टीवीएस मोटर्स की, कि यहां पे मैंने शेयर किया था कि गैप है, आपको दिख रहा होगा गैप,
और ये गैप मैंने बोला था कि गैप फिल होगा आई थिंक 3-4 दिन पहले शॉर्ट के लिए, ठीक है, और ये गैप फिल हो चुका, ठीक है, गैप फिल होने के बाद एक पैटर्न बनाया है और अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट देता है तो एक हम एक और ऊपर साइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो टीवीएस मोटर्स को आप ट्रैक कर सकते हो। देन नेक्स्ट हो गया आपका अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में अगर आप देखोगे हायर लोज बन रहे हैं, ओके, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देता है और ऊपर निकलता है तो हम इसमें एक मूव कैप्चर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सॉकेट टॉरेंट पावर। टॉरेंट पावर ऊपर सेल नीचे बाय, ऊपर सेल नीचे बाय, ऊपर सेल नीचे बाय, तो यहां पे हो सकता है कि प्राइस वापस से टेस्ट करने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाए और वापस से नीचे आ जाए, पर वेट करना है प्राइस एक्शन का, ओके, तो हो सकता है इसका ब्रेकआउट देके ऊपर भी चला जाए, पर वॉल्यूम्स अभी ऐसा कुछ आ नहीं रहा। कैंडल्स देख रहे हो आप कितना कंसोलिडेट कर रहा है कैंडल, तो वेट करना है लेवल्स के टूटने का। देन नेक्स्ट स्टॉक है आपका मणप्पुरम फाइनेंस। सो मणप्पुरम फाइनेंस में भी एक पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बना है, सो ये ऊपर गया और ये होल्ड करा है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक और मूव आ सकता है, और पर जो लोअर हाइज बन रहे हैं पर अगर नीचे जाएगा तो वापस से 184 का लेवल टेस्ट कर सकता है, सो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। देन नेक्स्ट दो स्टॉक थे, ये मोमेंटम बेसिस पर है जो मैं खुद ओवरनाइट लेके गया हूं, खुद होल्ड कर रहा हूं। सो एक है कैपली पॉइंट, तो मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें अभी भी मोमेंटम आना बाकी है और क्या कैंडल्स बन रहे हैं, क्या बढ़िया कैंडल्स, वॉल्यूम देखो आप, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कल इसमें गैप अप होगा और मैं अकॉर्डिंगली इसको प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके मैं निकल जाऊंगा, मैं ऑलरेडी इसको होल्ड करके रखा हूं। और एक और स्टॉक है परसिस्टेंट। सो परसिस्टेंट का भी प्राइस एक्शन भी बढ़िया है, ठीक है। सो ये जो कैंडल बनाया था डोजी के बाद उसका फॉलो अप आया, मतलब ऊपर ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, ब्रेकआउट आने के बाद फॉलो अप आया, तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करे फिर वापस से ऊपर जाए, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। मोमेंटम बेसिस पर है, एक बार ध्यान रखना, मोमेंटम बेसिस पर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो भी तेजी से हो सकती है। सो कैंडल स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए और लॉस लेके नहीं निकलना चाहिए, मतलब प्रॉफिट ही होता है जनरली। गैप अप होगा, 5 मिनट का कैंडल हो सकता है बहुत बढ़िया रेड ग्रीन कैंडल बना दे, और उसके बाद कैंडल जो बनाएगा 5 मिनट का कैंडल अगर एक बहुत बढ़िया कैंडल बनाता है तो उसका आधा आप ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस, ओके। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, तो हो सकता है काफी लोगों ने इसका ट्रेड लिया होगा, ओके। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।